أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنه. قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اللهم ادخلنا في الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم आज आपके साथ सुरत-ul-अहकाफ की एक बहुत खूबसूरत दुआ के साथ इस सेशन को मुकम्मल करते हैं इसमें अल्लाह ने आ, मर्दों के लिए ख़ास एक दुआ बताई है जो एक ख़ास उम्र तक पहुंच जाते हैं और आ, यानी मिडल एज तक पहुंच जाते हैं 40 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं और उसकी एक साइकोलॉजी भी अल्लाह ताला ने इसके अंदर इस दुआ के अंदर बयान की है लेकिन बात शुरू से करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ताल मख्तल मजामीन को इसी आयत में एक एक साथ समेटा है और वसैन इंसान अभी वालदेही एहसाना अल्लाह ताली ने इंसान को वसीत की अपने दोनों वालदान के बारे में कि एहसान करना एहसान यानी बेहतरीन सलूक हमलत उम्रन और वदात हु कुरन उसकी माँ ने उसको तकलीफ़ के बावजूद उठाया और फिर उसको जना वह हमल हो व फिस हो सलासू शहरा और फिर उसको उठाए उठाए फिरा और उसको पिलाया तीस महीने तक हत्यादा बलगा अशुदा हो जी कि वो उस उम्र तक पहुँच गया कि अब वो इसको समझ लें बलगा शुद्धा हो टीन एजर बन गया यानी एक एक यंग एडल्ट बन गया नौजवान बन गया वह बलगा और बैना सनतन और फिर वो जा, आगे जाकर चालीस साल की उम्र तक पहुँच गया अला फिर उस उम्र में जाके उसने कहा रब अवज़ैनी अश्कुर नामतर न्यामत अकलती अलैया मेरा रब मुझे ये ये ताकत दे मेरे अंदर ये तौफीक दे कि मैं आपकी उस नेमत का शुक्रिया करूं जो आपने मेरे ऊपर की वह वा अला वालैया और जो आपने मेरे वालदेन के ऊपर की व अन सालिहन हल्ला हूँ और कि मैं अच्छे काम करूं जो जिनसे आप खुश हों वह असल हलीफ़ ही जर्रिय और मेरे मेरी औलाद के मामले में मेरा मेरी सारी सारे मामले औलाद के मुतालिक ठीक कर दे इन्नी तुब तो बेशक मैं तेरी तरफ वापस लौटता हूँ और तौबा करता हूँ वह इन्नी मिनल मुस्लिमीन और मैं मुसलमानों से हूँ में से हूँ बेशक ये बड़ी प्यारी दुआ है तो यहाँ शुरू में अल्लाह तालदे के बारे में जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को कहा है कि उनके साथ बेहतरीन सलूक करे राइट तो दुआ से पहले ही अल्लाह ताला ने शुरू से इंसान इनसा, इंसान की जो शुरुआत है उसमें अल्लाह ताला ने जो ख़ास रोल वालदेन को दिया है उसके बारे में कुछ बात बताई लेकिन आप नोट करेंगे कि वालिद के बारे में कम बताया वालदा के बारे में ज़्यादा बताया वालिद के बारे में कुछ भी नहीं कहा बस ये कहा है दोनों वाले से एहसान करना फिर माँ के एहसाना का जिक्र शुरू हो गया कि उसने आपको प्रेगनेंसी में आ, आ, आपको संभाला उसके बाद आपकी डिलीवरी की उसके बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग की और फिर यानी नशोनुमा में माँ का किरदार तो अल्लाह ताला ने जिक्र किया बाप का नहीं किया इसकी क्या हिमत हो सकती है देखिए वाजह तौर पर तो यह है कि जो चीज़ें हमारी मदर ने हमारे लिए की थी ना वो हमें याद नहीं हो सकती जो उनकी असल कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसमें उन्होंने अपने जिसम को तकलीफ दी जिसमें उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया वो उस वक्त हमारी जिंदगी के उस स्टेज में हुआ जब हमें कुछ याद नहीं तो हमें इतना पता है तस्वीरें देख के या वीडियोस देख के कि हम इतने छोटे थे या ये था और मामी ये किया करती थी वो किया करती थी लेकिन हमारी याददाश्त में नहीं है वालद के एहसानात याद होते हैं क्योंकि वो बाद में जाकर हो उनकी उसकी असल कंट्रीब्यूशन बाद में जाकर होती है वो आपको ड्राइव करके स्कूल लेके जा रहे हैं ट्रिप पे लेके जा रहे हैं वो आपके लिए तोहफ़े लेके दे रहे हैं वो कुछ कर जो बाप कर रहा होता है वो तो बाद में माँ बाप दोनों कर रहे होते हैं लेकिन माँ की जो असल कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हम उसका एहसान कभी ज़िंदगी में उठा नहीं वापस चुका नहीं सकते उसने जो हमारे लिए किया है वो हम कुछ भी करने कम है उसके उसकी बदौलत तो वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने आ, हमारे वालदे को दी है पहले उसका हमें एहसास दिलाया है क्यों क्योंकि इससे इससे क्या नतीजा निकलता है इस बात के जिक्र से नतीजा ये निकलता है कि इंसान शुक्र गुज़ार होता है उन चीज़ों के लिए जो वो भूल चुका है और आपको इस वक्त जब आप चालीस साल की उम्र के हो गए तो ठीक है आपके पेरेंट्स अब बड़ी उम्र के हैं उनके अपने मसाइल हैं शायद वो आपकी शादी की ज़िंदगी में अमल दखल कर रहे हैं शायद पोतों की ज़िंदगी में अमल दखल कर रहे हैं या उनके कोई और ड्रामे चल रहे हैं या आपका किसी और मामले में झगड़ा हुआ हुआ है कुछ हर, हर तरह के कॉन्फ्लिक्स वगैरह होते हैं फैमिली में तो उस वक्त इंसान क्या भूल जाता है ये ये वही माँ है जिसने मुझे इतने साल पहले अपनी अपनी जिसम को कुर्बान करके इसने मुझे जना था और इसने मुझे पिलाया था और इसने इसने अपने आप को कुर्बान करके मेरी मेरी खैरियत उसको अपनी खैरियत से ज़्यादा प्यारी थी और शुरू से उसने मुझसे इस तरह की मोहब्बत की है बे लॉस मोहब्बत की है तो वो चीज़ें इंसान एक खास उम्र में आके भूल जाता है क्योंकि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बाप की जॉब है फाइनेंसिस हैं फैमिली है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोशल इन्ज़ाइटीज़ हैं मुख्तु किस्म की स्ट्रेस होती हैं हर तरफ़ से आपको कोई ना कोई चीज़ पुल कर रही होती है तो उस दरमियान में फिर पेरेंट्स भी आप पर ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब पेरेंट्स अब बड़ी उम्र के हो गए तो वो भी ज़्यादा डिमांडिंग हो गए उनके भी मुतालबे बढ़ गए तो आपको क्योंकि हर तरफ़ से एक स्ट्रेस आती है तो पेरेंट्स भी एक स्ट्रेस ही की तरह बन जाते हैं तो अल्लाह ताला ने बात शुरू कर बात जो असल में की जा रही है वो एक मिडिल एज आदमी से की जा रही है कि उसका क्या रवैया होना चाहिए लेकिन उसको स्टेप बैक करके पहले अल्लाह ने एक पर्सपेक्टिव दिया कि तुम पहले ये याद रखना जो चीज़ तुम भूल गए हो कि ये बात कहाँ से शुरू हो रही है तो अपनी औकात को ज़रा इंसान याद रखे क्योंकि होता ही है कि देखिए आप हो सकता है आपका करियर जो है वो एडवांस हो गया है और आप, आपने अपने वालदे से भी ज़्यादा और तालीम हासिल कर ली है आपकी डिग्रीज हो गई हैं आपकी रेगमिशन हो गई है और वो पीछे रह गए हैं सोशली वो पीछे रह गए हैं लेकिन फिर भी उनका एक मकाम है जिस पर आप कभी भी नहीं पहुंच सकते सोशली दुनिया आपको ज़्यादा समझ दे तो समझ दे उनके सामने आप सिर्फ वही बच्चा हैं जिसकी जिसके लिए उन्होंने सारी कुर्बानियाँ की थी तो यहाँ पहली बात रबी अवज़नी अश्कुरा का मेरे रब मुझे इस बात की सलाहियत दे मेरे अंदर ये तोफ़ी डाल कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूँ यानी देखिए एक एक ख़ास उम्र में आके क्योंकि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं ना तो हमारे सामने रोज़ सिर्फ मसाइल ही मसाइल होते हैं ये काम मुकम्मल नहीं हुआ ये बिल पे नहीं हुआ ये ये आ, ये ये झगड़ा जो है ये रिजॉल्व नहीं हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो रहा ये केस चल रहा है सारे यानी हर तरह के मसाइल और आपके सारे आपके डिपेंडेंट बन जाते हैं ना बच्चों को आपकी ज़रूरत है स्पाउस को आपकी ज़रूरत है पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है आपके छोटे बहन भाइयों को आपकी ज़रूरत है को वर्कर्स को आपकी ज़रूरत है हर कोई आप पर कोई ना किसी ना किसी किस्म का प्रेशर डाल रहा है और वो वो सारे चीज़ें इकट्ठी होकर आपको सिर्फ वो प्रॉब्लम्स ही लगते हैं कि ये हर तरफ़ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मैं हर एक को संभालता रहूँ और यू you नो know, मैं बीच में फंसा हुआ हूँ इस सिचुएशन में इंसान क्या होता है बहुत नेगेटिव पेसिमिस्टिक मिस्टे हो जाता है और इसका तोड़ यानी ये शुक्रगुजार होना कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं होती और ये ठीक है नमाज के बाद या किसी ख़ास मौके पे हम अल्लाह का शुक्र कर देते हैं लेकिन शुक्र गुज़ारी असल में एक लाइफस्टाइल है ये एक जहनीयत है इस जहनीत से इंसान उठे इस जहनीत से इंसान अपनी जो जो जागती हुई ज़िंदगी गुजार रहा है वो गुजारे इस जहनीत से इंसान सोए कि मैंने शक्र गुज़ार होना है मुझे कि, कि किस चीज़ का शुक्र करना चाहिए अभी और आज उन मसाइल के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मुझे शुक्र करना है ल इन शकर तुम लजैदान को मुझे ये बड़ी प्यारी आयत है सरतल आराफ की कि मूसा मूा ने एक ख़ुतबे में बनु इसराइल से कहा कि तुम्हारे रब ने ये डेक्लेशन किया ये ये ऐलान करवाया इस इरता रबू को ल इन शक्कर तुम ला अजीद कम कि अगर तुम थोड़ा सा भी शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँगा और ये बात कब कही जा रही थी जब बनी इसराइल सहरा से गुजर यानी पानी से गुज़र के सहरा में है ना उनके सर पर कोई छत है प्यासे मरने वाले हैं भूखे मरने वाले हैं उनमें बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं सब हैं ना वो सारा घर बार छोड़ के आ गए हैं और इस टाइम पर आपको तो होती है कि उनको ख़ुदबा मिलेगा कि वो सब्र करें लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा साहब की वही देखे क्या ख़ुतबा करवाया उनसे कि आप शुक्र करें आपको अल्लाह मजीद और मज़ीद देगा क्योंकि शुक्र किस चीज़ से करें कितनी बड़ी मुसीबत से निकल के आए हो अभी अपने सामने तो मसाइल हैं ठीक है नेगेटिविटी है लेकिन पीछे जिस मुसीबत से फ़िरौन से बच के हो ना उसका शिक्र करोगे तो अल्लाह और इसके अगर उस जिस जिसने वो मुसीबत बंद की है वो और दरवाज़े भी खोल देगा तो इंसान जब अपने सामने मुश्किलें देखता है तो उसको याद करना चाहिए वो कौन सी मुश्किलें थी जो अल्लाह ने मेरे लिए हल की हैं पीछे हम भूल जाते हैं ना उस वक्त जब हम उस मुसीबत में फंसे हुए थे तब वही नज़र आती थी सारी दुनिया गायब हो गई थी सारी कायनात जो है उसका उसका वजूद नहीं था बस मेरा मसला था मेरे सामने जब अल्लाह ने वो मसला हटा दिया और लाइफ आगे चल पड़ी तो हम उस मसले के बारे में भूल जाते हैं मुझे ये क़वत दे मेरा रब कि मैं हमेशा जिस जिस नियमतों से उसने मुझे नवाज़ा है जिस मुसीबतों से उसने मुझे निकाला है उसका मैं उसका शुक्र करता रहूँ अन अश्कुर नियमत है करामता आलिया जो जब ने मेरे ऊपर नवाजी वहाँ अला वाली दैया और आपने जो नियमते मेरे वाले पर नवाजी क्योंकि अगर अगर अल्लाह तला ने मेरे वाले का ख्याल ना रखा होता उनको रिस्क ना दिया होता उनको सेहत ना दी होती उनको अक़ल और दीन और हिदायत ना दी होती तो मेरा क्या बनता मैं जो चीज़ें आज इन्जॉय कर रहा हूँ जो चीज़ें मैं अकॉम्पलिश कर चुका हूँ वो कैसे हो सकता था अगर मेरी तालीम ना हुई होती अगर मेरे सर पर छत ना होती अगर मुझे मेरे पास रोटी कपड़ा ना होता वो स, जो जो कुछ आपने बिल्ड किया है इंसान को क्या लगता है कि ये मैंने बनाया है मैंने अपनी मेहनत के, के, के बलबूते पर बनाया मैंने डिग्री हासिल की है मैंने काम किया है मैंने बिज़नेस शुरू किया है मैंने तालीम हासिल की है मैंने ये अकॉम्पलिशमेंट्स की है मैंने ये इन्वेस्टमेंट्स किए हैं मैं मैं और मैं लेकिन आप मैं जो ये मैं है ये अपने वाले के बगैर एग्जिस्ट कर नहीं सकता था और वो उनके पास वो रिसोर्स नहीं थे उनके पास वो चीज़ें नहीं थी जिनके ज़रिए से वो आपकी परवरिश कर सकें वो भी अल्लाह ताला ने उन पर एक इनाम किया तो उन पर इनाम असल में आप पर भी इनाम है तो जब जब अल्लाह ताला की नेमतों का अपने लिए जिक्र करते हैं तो फ़ौर वाला वालदिया अपने वालदेन पर जो जो आ, जो एहसानात अल्लाह ते हैं उनका भी आप ज़िक्र करें साथ लोग यू you नो know, कितने कितने यहाँ पर खासकर अमेरिका में मैंने देखा है और जगह पर भी देखा है कि यू you नो know, वालदेन जो हैं वो आते हैं कहीं पाकिस्तान से आते हैं कभी बांग्लादेश से आते हैं कहीं किसी और मुल्क से आते हैं यहाँ की समझते हैं कि अमेरिका में बड़ा यू नो इजन बी अ गुड टाइम बट यहाँ पर लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है जैसे न्यूयॉर्क में जब हमारी फैमिली थी और और फैमिलीज थी इट्स ए वेरी हार्ड लाइफ इज़ वेरी एक्सपेंसिव तो हमारे वालदेन दो दो जॉब्स कर रहे हैं हर हर तरफ से पैसा जोड़ जोड़ के ग्रोसरीज हो रही हैं मुश्किल से गुजारा हो रहा है यू नो और वो सारा कुछ करके किसी मुश्किल तरीके से अपनी बच्ची की बेटे की बेटी की फ़ीसें भरी जा रही हैं यू नो उसकी तालीम का इंतज़ाम हो रहा है उसके लिए कोई गाड़ी क्योंकि वो जॉब पे पहुंच जाए कुछ कर ले यू नो वो सारी चीज़ें इतनी मेहनतें करके लोग यानी प्रोफेशनल लोग इतने इतने काम करके इतना अपने आप को सेक्रीफाइस करके कि हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर बन जाए और वो बच्चे जब थोड़े से उनके अपने पैसे बनने शुरू हो जाते हैं उनका करियर हो जाता है तो वो माँ बाप को ऐसे गारबेज की तरह ना जैसे वो कोई चीज़ हैं ही नहीं उन्होंने कुछ किया ही नहीं था यू you नो know, वो सारे साल जो उन्होंने गुजारे इस बच्चे को एक फ्यूचर देने के लिए जब उस बच्चे के सामने थोड़ी सी लग्जरी आई तो माँ बाप जैसे कोई एक अनोइंग सी कोई एक यू नो ऐसी चीज़ जो बस रखाने के लिए होती है कि खवा मखा मुझे तंग करते रहते हैं पता नहीं कि मुझे कॉल करते रहते हैं उनके साथ टाइम गुजारने से आपको सांस ज़्यादा भारी हो जाती है ये क्या क्या ज़्यादी है ये और ये, इसी लिए अल्लाह ताला ने यहाँ हमसे दुआ करवाई है ये कि मुझे मेरी जहनीत बदल दे मेरे रब मुझे तोफ़ी दे कि मैं वाकई शुक्र गुज़ार बनूँ और शुक्र गुज़ार बनूँ उन ने बनूँ उन नियमतों का जो आपने मेरे वाले पर की और हो सकता है जो नियमतें उन पर की उनकी वजह से मुझ पर ज़्यादा नियमतें हुई वह अन अमला साल तरज हो और फिर मुझे अच्छे काम करने की तोफ़ी दे जिनसे आप खुश होते हैं और ये जफा है न इसकी तरजा हो फी महली नस्ब ये जो सफ़त है यहाँ पर यह बड़ी प्यारी चीज़ है सिर्फ यही नहीं कहा कि मैं अच्छे मुझे ये मुझे ये सलाहियत दें मुझे ये तोफ़ी दें कि मैं अच्छे काम करूँ नहीं अच्छे काम ऐसे जिससे आप खुश होते हैं इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ हमारे दिमाग में होता है कॉन्सेप्ट कि ये अच्छी चीज़ है हमारी अपनी मोरालिटी बन जाती है ऑल्टरनेटिव मोरालिटी उसमें क्या होता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ मैंने ये कहा है तो ठीक ही कहा है मैंने किसी को इस तरह जवाब दिया है तो उन्होंने ठीक ही दिया होगा मैंने इस तरह रवैया किया है तो ठीक ही किया होगा मेरे नज़दीक जो मैं करता हूँ वो सही है जो सारे, बाकी सारे करते हैं वो सब गलत है लेकिन मेरे रब मुझे इतनी सदाई इतनी तोफीक दे दे कि जब मैं कुछ करने लगूँ ना और जो अच्छा हो वो उस उसकी तारीफ क्या हो कि मुझे पता है मेरे रब के नज़दीक ये चीज़ उसको राज़ी करती है एक लिटमस टेस्ट बन जाता है फिर आप जो करने लगोगे आपको अच्छा लगे ना लगे आप पहले ये पूछोगे मेरे रब को अच्छा लगता है कि नहीं ये पूछने लगूँ मैं ये ये स्टैंडर्ड बन जाए मेरा हर अमल करने से पहले सो तो ये है वन अमल फाल तरदा हो और इस बात को भी समझने कि इससे एक तो अपने अंदर मैं चेक करना शुरू कर देता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वाकई अच्छी चीज़ है कि नहीं या सिर्फ मेरी अपनी बनाई हुई मेरे दिल ने कहा अच्छी चीज़ है मेरी फीलिंग्स ने कहा अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ है मेरी फीलिंग्स नहीं डिसाइड करती मेरे जज्बात नहीं ये फैसला करते कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है वो मेरा रब करता है मेरा रब क्या कह रहा है कि इससे इससे खुश है कि नहीं वाला साल हमल्ला हूँ लेकिन दूसरी तरफ़ एक और बात भी है इसके अंदर कि मैं ऐसे काम करूँ जिससे आप खुश हों से मुराद ये है कि कभी कभी एज़ अ मैन मर्द होने के नाते आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे आपका रब तो खुश होगा लेकिन हो सकता है बीवी खफा हो जाए हो सकता है माँ खफा हो जाए हो सकता है बच्चे खफा हो जाएँ बाप खफा हो जाए हो सकता है एम्प्लॉयर खफा हो जाए सारे आपसे खफा हो जाए बस अल्लाह आपसे राज़ी है <laughs> ऐसा भी हो सकता है हो सकता है आपने कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो ऐसा कोई मॉरल डिसीजन लेना हो ऐसा ऐसा कोई स्टैंड कि आप हम नहीं करना हमने हो सकता है सारी फैमिली किसी के खिलाफ जो है वो ज्यादा में खड़ी हो गई है जिद में आके खड़ी हो गई है अना में आके झगड़े कर रहे हैं और आपने उस झगड़े में शिरकत नहीं करनी आपका वोट नहीं आएगा तो आगे बात नहीं बढ़ेगी सारे आपसे खफा हैं कि आप क्यों झगड़े में शामिल नहीं हो रहे नहीं मैं तो मेरा रब खुश नहीं होगा तुम लोग खफा होते हो होते हो तो होते रहो मैंने अपने रब को खफा नहीं करना एक लाइन आपने ड्रा कर दी है उसके बाद किसी ने रोना है किसी ने हंसना है किसी ने गुस्सा करना है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे रब ने खुश होना है दैट्स इट अब मैं इसमें इसमें एक तरह से इंसान को ढीठ बनना पड़ता है और बदतमीज़ बनने की बात नहीं कर रहा मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पेरेंट्स से जाके वाइफ से जाके और बच्चों से जाके कहें मेरा रब खुश है तुम दफा हो <laughs> ये, ये मैं नहीं कह रहा लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ कोई ऐसी बात हो ना जिसमें या तो आपके पास एक क्रॉस रोड्स आ जाती है कि या तो आपने फैमिली को खुश करना है या लोगों को खुश करना है या आपने रब को खुश करना है और दोनों को एक साथ खुश करने की गुंजाइश नहीं रही तो फिर आपको हमेशा अपने रब को ही चूज़ करना है मुझे अल्लाह इतनी पावर दे इतनी तोफ़ी दे कि मैं अपनी फैमिली की मोहब्बत के प्रेशर में या अपने पेरेंट्स के गिल्ट के प्रेशर में किसी और प्रेशर में आके वो ना करूं जिससे आप खुश नहीं होते मैं हर एक का प्रेशर बर्दाश्त कर लूं लेकिन मैं अपने अंदर ये ताकत पैदा कर लूं कि मैं आपको खुश करूं हर हाल में वाल तल हूँ वसलहली फ ही जरूरी थी और मेरी औलाद के मामले में और उनकी औलाद और उनकी औलाद और उनकी औलाद के मामले में मेरा मेरा मामला सही कर दे मेरी असलाह कर दे इससे मुराद क्या है कि मेरा रिश्ता उनसे अच्छा कर दे और ये भी है कि उनके उनके आमाल नामे मेरे लिए इजाफा करें वो अच्छे बने और उनके अच्छे काम मेरी मेरी नेमतों में और मेरे आमाल नामे में क़्यामत के दिन उस उसमें ज़्यादा ज़्यादा भारी होते चले जाएँ वो असली हलीफ़ी ज़रूरिया थी यानी इससे मुराद फिर क्या है कि मुझे मेरी एक प्रायरिटी क्या हो गई कि मुझे अपनी औलाद की सही तरबियत करनी है क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा मैं फिर कह रहा था कि चीज़ इस रमज़ान तो आपके दिमाग में खुप जाए जो चीज़ मैं अल्लाह से मांगता हूँ उसमें पहले मुझे अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करनी होती है तो अब मैं अपनी औलाद के मामले में मांग रहा हूँ मुझे अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है और इसमें कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं वो मैं एक और सेशन में आपके सामने रखूँगा इन कि हमने एक जो बच्चों की तरबियत है ना औलाद की तरबियत उसका जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बन गया है हमारे कल्चर में वो इतना टूटा हुआ कॉन्सेप्ट है इतना ब्रोकन कॉन्सेप्ट है और उसके नतायज हम आगे जाकर जब बच्चा अठारह बीस साल का हो जाता है बच्ची बीस साल की हो जाती है फिर जाके हम उसके नतज देखते हैं फिर हमें ख्याल आता है कि क्या किया हमने हमने तो सारा कुछ किया था हमने तो सारी चीज़ें ठीक की थी मसला ये हमने सारी चीज़ें ठीक नहीं की थी और कुछ पेरेंट्स कर रहे हैं और बेहतरीन पेरेंटिंग कर रहे हैं लेकिन हमारे कल्चर में बहुत सारी एलिमेंट्स हैं पेरेंटिंग के जो कि हमारे बच्चों को बर्बादी के लिए तैयार कर रहे हैं अगली जनरेशन को बर्बादी कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इसलिए मैं पीछे वापस जाता हूँ तरदाहू मैं ऐसे अच्छे काम करूँ जिससे आप खुश होते हैं वह असली अखलीफी जरूरी रहती मेरी औलाद के मामले में असलाह कर दे मेरी और असलाह कर दे उनके मामले में मेरी और उनकी दोनों की ये नहीं ली फिर मेरे लिए कर दे लेकिन मेरे लिए उनको भी असलाह दे और मुझे भी असलाह दे कैसे हो वो कि हम पहले समझे कि ये होती क्या चीज़ें इंसान की तरबियत करना उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना उसमें क्या चीज़ें आनी चाहिए एक एक नौजवान की पर्सनलिटी में क्या चीज़ें आनी चाहिए और वो क्या चीज़ें हैं जो बचपन से थोड़ी थोड़ी करके डाली जाती हैं ताकि वो मच्योर एक पूरा यानी वो पौधा होता है हल्का सा वो आगे जाके उसने दरख्त बनना है तो जो चीज़ें हम बचपन में अपने बच्चों को एक्सपोज़ करा रहे हैं ना उसका उनकी उसकी एडल्ट लाइफ में एक्सपोजर उसको मिलना है वह असल ज़रूरी इन तुम तो इले वह इन मिनल मुस्लिमिन मैं तेरी तौबा करता हूँ मैं तबा करके तेरी तरफ लौटता लौटता हूँ और मैं मुसलमानों में से ही हूँ यानी मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ ये एक रियलाइजेशन है कि आप एक हाफ uh, पॉइंट पर आ गए अपनी ज़िंदगी के ना अब आपकी ज़िंदगी का आखिरी आधा आधा हाफ़ रह गया है और उस हाफ़ में आपने कैसी ज़िंदगी गुजारनी है शुक्र गुजारी की ज़िंदगी गुजारनी है और अब पहले जो जो पिछली ज़िंदगी गुजर चुकी उसका शुक्रिया करना है और आगे अप, अपनी यू नो वाले की बात की फिर औलाद की बात की यानी पीछे का भी लिहाज और आगे का भी लिहाज करके एक बैलेंस दुआ अल्लाह ताली ने हमें दी है अल्लाह ताला हमें एक बैलेंस किस्म का मर्द बनने की तोफ़ी दे और इस दुआ पर पूरा पूरा उतरने की तोफीक़ दे और ये दुआ हम सब के लिए कबूल करें बारकल वकुम फ़िरम व नफ़ा व्यायाकआयाती वकीम